नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएस राजामौल की अपकमिंग मूवी ट्रिपल आर के प्रिडिक्शन के बारे में, यानी दोस्तों फिल्म के बजट, फिल्म कितने स्क्रीन पर रिलीज होगी और इस फिल्म को हिट होने के लिए आखिर कितने करोड़ के बिजनेस करने होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों RRR यानी दोस्तों राइस रॉड रिवॉर्ड जिसे डायरेक्ट किया है एसएस राजामौली ने, जिन्होंने दोस्तों इससे पहले भी बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुका है। वही दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस किया है DBB धनाया और फिल्म में म्यूजिक दिया है MM किराबानी जी ने। फिल्म दोस्तों 5 भाषाओं के साथ रिलीज होगी, तेलुगु, हिंदी, तमिल, कनाडा और मलयालम, यानी दोस्तों फिल्म ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज से शूट किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को हिंदी, तमिल, कनाडा और मलयालम पे एक ही साथ डब करके रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों फिल्म रिलीज होगी 8 जनवरी 2021 में, यानी दोस्तों 2021 के संक्रांति फेस्टिवल ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। स्टार कास्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों जबकि ये फिल्म हिस्टोरिकल ड्रामा पीरियड के ऊपर बेस्ड है, तो दोस्तों इस फिल्म में ऐसे कई कलाकार देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ही अगर बात करें लीडिंग रोल की, तो दोस्तों इस फिल्म में लीडिंग रोल में भी कई कलाकार देखने को मिलेगा, जैसे कि दोस्तों एक्शन स्टार NTR, रामचरण, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस, अजय देवगन, सामोदिक रानी, रॉय स्टेवेंसन और अलिसन डुड्डी को इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों RRR मूवी एक बिग बजट मूवी है, बाहुबली 2 से भी बिग बजट मूवी है फिल्म। अगर बात की जाए बजट की तो दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने वाला है लगभग 350 करोड़ रुपये। वही दोस्तों फिल्म के प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट होंगे 20 करोड़ रुपये, यानी दोस्तों RRR के टोटल बजट होने वाला है 370 करोड़ रुपये, जहाँ पे दोस्तों फिल्म का बजट है लगभग 370 करोड़ रुपये। तो दोस्तों वही अगर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे हिट होने हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 400 करोड़ के ऊपर बिजनेस करने होंगे। लेकिन दोस्तों वही अगर बात करें फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस, यानी दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले की इनकम की, तो दोस्तों RRR मूवी के डिजिटल राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके हैं 150 करोड़ रुपये में। वही दोस्तों फिल्म के सैटेलाइट राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके हैं 200 करोड़ रुपये में और फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके हैं लगभग 50 करोड़ रुपये में। यानी दोस्तों RRR मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेस कर लगभग 400 करोड़ की रिकवरी कर ली है। वही अगर दोस्तों स्क्रीन काउंट की अगर बात की जाए तो दोस्तों RRR मूवी को इंडिया में जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और 2021 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो इंडिया में 5,500 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर इस फिल्म को 3,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। यानी दोस्तों RRR मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइडली 8,500 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों RRR मूवी के बाद जिस हिसाब से लोगों में चर्चित में है और जिस हिसाब से लोग एक्साइटेड में है इस फिल्म के लिए, फिल्म रिलीज होते ही फिल्म के रिलीज के पहले दिन एक्सपेक्टेड इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर सकते हैं 120 से लेकर 140 करोड़ रुपए। वही अगर दोस्तों फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिलता है अपने ऑडियंस से तो दोस्तों RRR मूवी फिर भी लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफिस पे ग्रोस कलेक्शन 450 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर सकेगी। वही अगर दोस्तों फिल्म को नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स्ड रिव्यू मिलता है अपने ऑडियंस से तो दोस्तों RRR मूवी लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफिस पे ग्रोस कलेक्शन 1,000 ऊपर के बिजनेस कर सकेगी। और अगर दोस्तों फिल्म को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिव्यू मिलता है अपने ऑडियंस से तो दोस्तों RRR मूवी लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफिस पे ग्रोस कलेक्शन 2,500 करोड़ के ऊपर भी कर सकेगी। तो दोस्तों आपके हिसाब से RRR मूवी लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफिस पे आखिर कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह के बॉक्स ऑफिस खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।